अर्चना जी, आप तो जानते हैं आजकल बॉलीवुड में रियल किरदारों के ऊपर बड़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं। सो आज ऐसी ही एक फिल्म आ रही है, सांड की आंख। सो प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग एंड वेरी टैलेंटेड तापसी पन्नू एंड भूमि पेडनेकर। चलते फिरते हमारी मंडली के साथ घूमते हैं, जहाँ पे भी मैं और तापसी जाते हैं हमें पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। आप साथ आई हैं या रास्ते में मिली थी ये आपको? नहीं, साथ साथ आए। साथ आए। अब ढोलक तो बजानी थी, जाके दिखाओ। यहाँ पे पकड़े जाते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। फिल्म का नाम है सांड की आंख। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम दाल खिचड़ी का प्रमोशन कर रहे हैं? सब येलो येलो येलो। आपको पता है तापसी मनमर्जिया में हॉकी प्लेयर बनी, सूरमा में हॉकी प्लेयर बनी, इसमें ये शार्प शूटर का किरदार निभा रही है। मैंने सुना है आपकी एक और फिल्म आ रही जिसमें आप एथलीट बनी हैं। हाँ जी। तो आपको ये जो फिल्में मिलती है एक्टिंग कोटे से मिलती है कि स्पोर्ट्स कोटे? कभी तापसी आपने लंगर में खाया कुछ दाल? हाँ, हाँ, बिल्कुल। भंडारे में जो अंकल जी मेरे को भी देना है। हाँ, मैंने लंगर बनाया भी है। कभी कभी दाल थोड़ी सी हाथ में भी गिर जाती है, फिर आदमी ऐसे करते खाया कभी आपने? सब खाया मैंने ऐसे, ठीक है। अच्छा भूमि, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब भी कोई नया मकान बनाता है तो आपको जरूर बुलाते हैं, क्योंकि आपके जाने से उनका पूजन भूमि पूजन हो जाता है। ओके, ये मेरी खुद की बनाई हुई थी सॉरी। ये जो होम प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे। आपके पेट का सवाल है, हम जितना कमाते हैं 70% तो अर्चना जी खा जाती हैं, तो हम क्या करें? भूमि, एक अफवाह ये कि द लस्ट स्टोरी में जो आपने मेड का रोल किया था, उस कैरेक्टर को समझने के लिए, कि उसको उसमें घुसने के लिए आपने आस पड़ोस की बिल्डिंग में 3-4 घरों का काम पकड़ा था। ये बिल्कुल सच अफवाह। नहीं, सच में मेथड एक्टर है यार। मैं एक्चुअली रोज साफ सफाई कर रही थी आसपास के घरों में। सीरियसली? हाँ हाँ, ये सच्ची है। और बहुत कुछ मेथड हो रहा था। बस बाकी आप पिक्चर में देख लो क्या क्या। मेरी मम्मी बहुत ऑकवर्ड होगी। वो ऐसे देख रही कि ये कोई चीज होती है कोई सुशील लड़की के बोलने की। सुशील लड़की थोड़ी, सुशील तो लड़का होता है। सॉरी, कभी कभी यार इतने सालों से कर रहे हैं, कभी कभी नहीं अच्छा पंच आता, क्या करें, माफ कर दो। हमारे मुझे फिर भी अच्छा लगता है कपिल, बोलो। थैंक यू तापसी। भूमि, एक अफवाह ये है कि आपको विक्रम बेताल बहुत पसंद था, इसलिए आपने दम लगा के हईशा की ताकि आप आयुष्मान के कंधे बैठ के सवारी कर सके। ये बात सही है? मुझे लगता है आयुष्मान को कूली नंबर 1 बहुत पसंद है, क्योंकि हम जो फिल्म कर रहे हैं वो मुझे उसमें उठाता है। दादी, अर्चना जी पूछना चाह रही थी, कह रही थी कि आपके इलाके में जहाँ आप रहती हैं वहाँ चोर तो नहीं आते होंगे? नहीं आते, क्योंकि आप तो गलत भी निशाना लगाओ तो भी टांग पे लगी जाए, इतना अच्छा निशाना है आपका। नहीं आते, डर लगे चोर भी। आपके कभी चोरी वोरी तो नहीं हुई? नहीं, बहुत निशानेबाज हो रहे हैं वहाँ। अच्छा, डरते हैं। क्या बात है यार, नहीं आते। और इनकी वजह से गाँव की और आसपास के गाँव की कितनी सारी लड़कियां जो इस फील्ड में आई हैं। रेडी। अक्षय सर की नाक खतरे में है। लगी तो हमारी तो वो भी नहीं लगी। चंद्रू दादी, किस पे निशाना मारोगे? आमिर खान। तो सरप्राइज हूँ, इस उम्र में इतने लोगों को दिखता होगा बिना चश्मे के। अमिताभ सर पे, इन पे। हाँ, आ जाओ फिर, चलो मैं हट जाती हूँ। चलो दादी। ये अक्षय पे लग रहा है। ये ट्यूनिंग देखिए आपने, इनकी ट्यूनिंग।
इन्होंने एक्सचेंज कर लिए अपने टारगेट्स। चांद की आंख, एक एक और तबादला कर दिया और हमने तबादला कर दिया, इन्होंने अक्षय का मार दिया, मैं अमिताभ का मार दिया। ऐसे चंद्रो जी, प्रकाश जी एक बात बताइए, तापसी जी ने, भूमि जी ने आपका ऐसा रोल प्ले किया फिल्म में, आपने कुछ कहा नहीं इनको? ये क्यों कहेंगी, तो वो तो अच्छी बात ही है। अच्छा, तो हम आपका रोल प्ले करेंगे, चलेगा आपको? यानी कि हेलो और वेलकम भी हम ही बोल दें, फिर सोनी से जाके बड़ा वाला मोटा वाला चेक भी हम ही ले लें, सेलिब्रिटी के साथ फ्लर्ट भी हम ही कर लें, चलेगा आपको? आई मीन यू टेल मी ब्रो, बता रहे हैं। अर्चना जी, हम देख रहे हैं कि आप हंस तो रही हैं काफी, लेकिन थोड़ा बी केयरफुल है। नहीं, ट्रेलर में आप देखे ना, कोई ज्यादा हंसता है मुंह में बंदूक डाल और कहते हैं इब हंस, इसके बाद कौन हंसेगा यार। आज ऐसा बंदूक बंदूक लाए तो नहीं है ना कुछ यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो नहीं है। थैंक्स गॉड, क्योंकि क्या है कि हम थोड़े फनी आदमी है ना, तो हंसी वसी निकल आती है लोगों की।